हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन क्या होता है और किस तरह से हम इसे अपने एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन होता क्या है। बेसिकली ये जो है हमारे एप्लीकेशन का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, जो हमारे एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को स्टोर करने के लिए यूज होता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जो भी चीज़ें आपने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में रखा है, अगर वो आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन को फिर से बिल्ड नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग रखे हो, तो अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करना, तो आप क्या कर सकते हो, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में उस कनेक्शन स्ट्रिंग को चेंज कर दीजिए और एप्लीकेशन को रीलॉन्च कर दीजिए। आपका कनेक्शन जो है कि स्ट्रिंग नया वाला कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग ही नहीं, आप बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकते हो। तो इसको देखते हैं एक्चुअल में कैसे यूज करते हैं। तो उसके लिए हम अपना वही एप्लीकेशन यूज करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे, अब क्योंकि हमने ये एप्लीकेशन जो है कि मैनुअली क्रिएट किया, तो यहाँ पे ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मैनुअली ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐड पे जाते हैं और अपने यहाँ पे न्यू आइटम पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं सेटिंग्स, ये ऐप सेटिंग्स, ये हम फाइल ऐड करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नाम जो है वो हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको हम करते हैं ऐड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट एक कुछ वैल्यू यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है वो ऐड हो गया है। हम इसको क्या करते हैं, अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक पब्लिशर्स यूआरएल नाम का एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, उस क्लास में हम जो है कि बेसिकली पब्लिशर की आईडी रखेंगे और इसमें हम देते हैं मान लीजिए 123 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक रखते हैं पब्लिशर यूआरएल, कैप्स में करते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं HTTP कुछ ऐसे ही test.com पब्लिशर 123 कुछ ऐसा यूआरएल हम यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक क्लास क्रिएट करते हैं, मॉडल में एक हेड क्लास, और इस क्लास का नाम देते हैं हम पब्लिशर यूआरएल्स, URL देते हैं पब्लिशर URL, इसको हम करते हैं ऐड, और यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिशर ID गेट सेट। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी हम क्रिएट करते हैं पब्लिक स्ट्रिंग पब्लिशर URL गेट सेट। ठीक है, इसको हम जो है कि नॉर्मल बस URL ही रखते हैं, इसको हम ID रखते हैं और इसको जो है कि URL रखते हैं, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं ID URL, बस ये दो चीज़ रखते हैं, यहाँ कॉलन रहेगा। ठीक है, ये हमारा जो है कि क्लास क्रिएट हो गया। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमने जो ये ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल क्रिएट किया है, इसमें हमने ये कुछ डेटा रखे हैं, इस डेटा को हम इस क्लास में लोड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि ये हम लोड करना चाहते हैं अपने होम कंट्रोलर में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे पहले तो हम एक प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पब्लिशर यूआरएल कुछ ऐसा रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे यूज़ करने के लिए, मतलब जो है कि पब्लिशर यूआरएल को यूज़ करने के लिए आई ऑप्शंस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आई ऑप्शंस इसका नेम स्पेस है, तो इसको हम क्या करते हैं एल्ट एंटर, और यहाँ पे आप देखोगे तो microsoft.extension.options ये नेम स्पेस हमें ऐड करना है, और यहाँ पे हमें जो है कि पब्लिशर यूआरएल पास करना है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ऑप्शंस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिशर यूआरएल इक्वल ऑप्शंस डॉट वैल्यूज। अब क्या होगा, बेसिकली हमारा जो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन का जो भी डेटा होता है, ये हमारा जो है कि ऑप्शंस में लोड होता है, और इस ऑप्शन से जो है कि हम, यानी ये जो आई ऑप्शन इंटरफेस है यहाँ पे लोड होगा, और यहाँ पे हम इसको मतलब बेसिकली ये जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं, इस ऑब्जेक्ट में बेस्ड ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो डेटा जो है कि लोड होगा, और एक नहीं, यहाँ पे आप मल्टीपल आप यूज कर सकते हो, इसलिए ऑप्शन रहता है। तो हमें अभी जो है कि ये पब्लिशर यूआरएल चाहिए, इसलिए हमने आई ऑप्शन का ये जेनेरिक मेथड पब्लिशर यूआरएल का जो है कि यूज किया है यहाँ पे। तो उसका वैल्यू एक्सेस करने के लिए हमें ये वैल्यूज जो है कि प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमें ये डेटा को लोड किया हुआ इंस्टेंस रिटर्न करेगा, लेकिन इससे पहले हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, नहीं आई ऑप्शंस में ये पब्लिशर यूआरएल को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने स्टार्टअप क्लास में जाएंगे। ठीक है, स्टार्टअप क्लास में जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमें एक आई कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ेगा, ये हमारा जो है कि इंटरफेस microsoft.extension.configuration namespace में अवेलेबल है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे और इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे हम
गेटर और सेटर रख लेते हैं। कूल अब इसके कंस्ट्रक्टर में हम जो है कि आई कॉन्फ़िगरेशन का लोड कर लेते हैं और इसको जो है कि कॉन्फ़िगरेशन इक्वल कॉन्फ़िगरेशन ये यहाँ पे कर लेते हैं। अब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है कि बेसिकली ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन है, इस फाइल में जितने डेटा होंगे सबको वो लोड कर लेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्विसेज डॉट कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे जो है कि हम क्या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम पब्लिशर यूआरएल जो है कि पब्लिशर यूआरएल कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम alt enter करके नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर जो है कि हमें कॉन्फ़िगरेशन, अपना कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है डॉट गेट सेक्शन, और गेट सेक्शन में हमें क्या करना है, ये जो हमने सेक्शन क्रिएट किया है वो सेक्शन यूज़ कर लेना है बेसिकली एज ए स्ट्रिंग, ये जो है कि की रहेगा। और ये हमारा जो है कि ऐप सेटिंग लोड हो गया है, बस इतना ही करना है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है और आपका जो है कि ये ऐप सेटिंग्स में जो भी डेटा है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, फिर आप जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये ब्रेक पॉइंट अवेलेबल है, इसको हम रन कराते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शंस जो है कि ऑलरेडी लोडेड है, किससे लोडेड है, इसके वैल्यूज में क्या है, पब्लिशर यूआरएल जो हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, और ये पब्लिशर यूआरएल जो है कि 123 और ये पब्लिशर जो भी हमने यूआरएल यहाँ पे ऐड किया था वो वहाँ पे लोड हो गया है। ठीक है, तो इतना सिंपल है, इतना आसान है ऐप सेटिंग से डेटा लोड करना। ठीक है, तो ये बेसिकली आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा जो है कि सबसे सिंपल तरीका है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो है कि स्टार्टअप क्लास में ही आपने ऐड कर लिया है। बेसिकली ये आप जो है कि रन टाइम में कहीं और भी जो है कि आप इसको डायरेक्टली यूज़ करके बेसिकली जहाँ पे आपका ये कॉन्फ़िगरेशन एक्सेसिबल रहेगा वहाँ से भी आप इसको जो है कि लोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ये ऑप्शंस वगैरह में रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो है कि रिकमेंडेड तरीका होता है जिसको हम जो है कि यहीं से लोड करते हैं और उसके बाद आप चाहे जहाँ पे भी आप यूज़ करना चाहे ये आई ऑप्शंस को यूज़ करके आपको एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये तरीका होता है यहाँ से डेटा लोड करने का। यहाँ पे आप कई सारे डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, कोई भी की वैल्यू पेयर वाले डेटा स्टोर कर सकते हैं, बेसिकली आप इस तरह से मतलब एक ऑब्जेक्ट जैसा बना करके आप उसको जो है कि यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपका ये जेसन टाइप डेटा है तो की वैल्यू पेयर में आप इसको स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको लग रहा है कुछ छूट गया है, कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो से हम देखेंगे किस तरह से फिल्टर .NET Core 3.1 में यूज होता है और कौन कौन से फिल्टर अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।